हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से कहा था कि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो SOL अपनी तरफ से ये सब्जेक्ट ठीक कर देगा, करेक्ट कर देगा, या फिर आपको चेंज करने का मौका अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में दिया जाएगा। तो SOL ने जो अपने सब्जेक्ट से उसको करेक्ट करने का ऑप्शन जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रोवाइड कर दिया है, आपको इसको करेक्ट करने के लिए आ जाना है अपने SOL की वेबसाइट पे sol.du.ac.in, और यहाँ पे आप कंटिन्यू वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड जो है इसमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना SOL रोल नंबर और बार कोड डाल के यहाँ पे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद पहले आपको जाना है अपने, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको चेक करना है कि जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं वो अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लिए हैं या फिर नहीं लिए। तो आपको माई अकाउंट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है कोर्स के सेक्शन में। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अकेडमिक सेशन 2020-2021, यहाँ पे पहले थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो होंगे और उसके नीचे आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो होंगे। तो ये जो प्रोफाइल है ये BA प्रोग्राम के स्टूडेंट का है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं MIL में इन्होंने हिंदी B लिया हुआ है और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में इनके पास इंग्लिश थी, तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट सही है। इसके अलावा जो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है, SEC का कोर्स है, उसमें इन्होंने पहले हिस्ट्री लिया हुआ था और अब इन्होंने ट्रांसलेशन स्टडी लिया हुआ है, और जो बाकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो इनके बिल्कुल सेम है। तो इनको अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश यहाँ पर कोई गलत सब्जेक्ट ले लिया है, मान लीजिए आपने ट्रांसलेशन स्टडीज़ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया था और दोबारा ले लिया है, इसके अलावा मान लीजिए आपने जो ML का सब्जेक्ट है उसमें जो नीचे इन लियो ऑफ ML वाले सब्जेक्ट्स थे वो चूज़ कर लिए, या फिर हिंदी A, हिंदी C, कोई गलत ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया है, तो आपको चेंज करने का ऑप्शन अब मिलेगा। इसी तरह से एक और प्रोफाइल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये BCom के स्टूडेंट का प्रोफाइल है। यहाँ पर आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पहले शो होंगे और उसके बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। तो कोर कोर्स तो आपके सेम ही रहेंगे। इसके अलावा स्किल अनाउंसमेंट में दो ऑप्शन है आपके, उन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं आप। और जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें अगर आपने पहले इंग्लिश पढ़ा हुआ था तो यहाँ पे इंग्लिश आएगा, और आपने फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी ए पढ़ा हो, हिंदी ए लिया हुआ है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या लिया था। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने ML के सेक्शन में हिंदी ए लिया हुआ है और अभी भी इनके पास हिंदी ए है, तो इनको भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपने कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था जो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे ML में मान लीजिए आपने इन लियो ऑफ सब्जेक्ट वाला कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था, या फिर कोई और हिंदी B, हिंदी C ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था, तो आपके पास करेक्ट करने का ऑप्शन है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करेक्ट करना है। आपको उसी लिंक पर आना है और उस लिंक पर आते ही आप ये देखेंगे आपके पास इस तरह का कुछ डैशबोर्ड जो इस होगा, यहाँ पर लिखेगा लिखा आएगा ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपने पहले ही फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज प्लीज़ सबमिट द बिलो फॉर्म अगेन, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म जो है आप दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ML के सब्जेक्ट में यहाँ पे सारे ऑप्शन होंगे, आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ML वाले सब्जेक्ट में अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो उसको आप चेंज कर ले, अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसके अलावा SEC के अंदर अगर आपने ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ कर लिया है और थर्ड सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा था तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। बाकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो हैं दोनों आपके सेम ही रहेंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके पास एजुकेशन और दूसरे में देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, तो वो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो है BA प्रोग्राम के स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, तो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का इस तरह से अगर आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये BCom के स्टूडेंट्स का एक पोर्टल है, इसको भी आप देख सकते हैं। इनके दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोर सब्जेक्ट वो फिक्स होते हैं तो उनको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट जो उसमें SEC का सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपने गलत चूज़ कर लिया है, आपने ई कॉमर्स ले लिया, आपको पर्सनल टैक्स प्लानिंग लेना था, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो ML का सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें ले लिया था तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो दो मेन कोर्सेज थे BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम, उसका मैंने बता दिया आपको किस तरह से आपको चेंज करना है। पहले आप अपने कोर सेक्शन में जाए और कोर सेक्शन में जाकर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले चेक करें कि आपने गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले लिया जो आपके जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने वो सब्जेक्ट ले लिया है तो जाके आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से उसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको डैशबोर्ड में अभी तक ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो SOL की तरफ से ये ऑप्शन रिलीज़ किया जाएगा।
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब भी SOL की तरफ से ऑप्शन रिलीज़ किया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप तब तक वेट करें। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अपने फॉर्म फिल करने का, कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय आपको मिलेगा, तो उसमें आप इजीली अपना फॉर्म जो है सबमिट कर पाएंगे। इसके लिए कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ क्वेरीज आ रही हैं फ़ी के रिगार्डिंग, कि फ़ी पे करनी है या नहीं करनी। तो जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फिक्स न्यूज़ है कि आपको फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ी पे करनी है या नहीं करनी उसके लिए अभी कन्फर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आप मान के चले कि आपको ये फ़ी पे नहीं करनी है अभी के लिए, आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो इतना काम आप कीजिए, अगर फोर्थ सेमेस्टर के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे तो आप उसको जाकर करेक्ट कर लें, और जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप परेशान ना हो, जब भी ऑप्शन आएगा मैं आपको वीडियो थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप लाइक करें ना करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के या सेकेंड सेमेस्टर के उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो परेशान ना हो। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।